Hello everyone, welcome back. So in this lecture we will be starting a new part and that will be related with registration of GST. So देखो बहुत सारे theoretical points इस chapter में है, इसके पहले भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन जो जो चीजें important है हमारे exam perspective से, so we will be covering all those points. So now this topic will be related with registration and the calculation of the GST. So first of all, the first step will be registration. कि ये तो हमने पढ़ लिया, टैक्सेबल क्या है, नॉन टैक्सेबल क्या है, रूल्स क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है. अब हम ये देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन किसे करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो नंबर मिलता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बारे में थोड़े से डिस्कशंस इस वीडियो में हम कर लेंगे. तो रजिस्ट्रेशन बेसिकली इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द जीएसटी. और रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, बिकॉज इट विल आइडेंटिफाई द टैक्स पेयर. रजिस्ट्रेशन इज नथिंग बट इट इज बेसिकली अ यूनिक नंबर एंड दैट विल बी गिवन बाय द जीएसटी अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कलेक्शन. टैक्स कलेक्शन करने के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है. जैसे अगर हम पहले की बात करें तो पहले जब वैट चला करता था 2017 से पहले, तब लोगों के पास वैट और सीएसटी का नंबर होता था, वैल्यू एडेड टैक्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स नंबर. तो वैट टिन नंबर ऐसा नंबर होता था जिससे आइडेंटिफाई करना बहुत इजी बन जाता था कि कौन से पर्सन बेसिकली किस बेस पे टैक्स पेमेंट कर रहे हैं. तो अभी हम इसमें सीखने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में. तो मैंने जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सभी चीज़ें इस स्लाइड्स के बेसिस पे आपको मिल जाएगी, लेकिन कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस भी हम कर लेंगे. बेसिकली अगर बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन जो होता है वो पैन बेस रजिस्ट्रेशन किया जाता है. और जीएसटी का जो नंबर है वो जीएसटी का नंबर 15 डिजिट का होता है. ठीक है, थोड़ा सा एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली. तो जीएसटी के नंबर के लिए हमें करना क्या है, जीएसटी के नंबर के लिए हमें जीएसटी का जो गवर्नमेंट का पोर्टल है, पोर्टल ऑनलाइन बेस पे अप्लाई करना है. ऑनलाइन बेस पे क्या करना है, हमें जीएसटी पोर्टल पे अप्लाई करना है. उसके बाद 15 डिजिट का नंबर हमें मिलेगा. कैसे मिलेगा, 15 डिजिट का, ये याद रखना, आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. 15 डिजिट का नंबर आपको मिलेगा, जिसमें ये जो 15 डिजिट का जो नंबर है, इसमें से जो फर्स्ट दो डिजिट्स है, फर्स्ट दो डिजिट्स है, वो आपके स्टेट का कोड रहेगा. ठीक है, वो क्या रहेगा, दिस विल बी द कोड ऑफ द स्टेट. फर्स्ट दो है वो स्टेट का कोड रहेगा. फिर बाकी जो नेक्स्ट 10 डिजिट्स है वो आपके पैन नंबर को रिलेट करेंगे. ठीक है, वो क्या करेंगे, वो आपके पैन नंबर को रिलेट करेंगे. फिर जो उसके बाद जो दो डिजिट्स है, दैट इज दी एंटिटी कोड, मतलब आपके कंपनी का वो कोड रहेगा. क्या रहेगा, वो आपके कंपनी का कोड रहेगा. और जो एक लास्ट डिजिट बनता है वो एक चेकसम नंबर के बेसिस पे है, मतलब वो एक नंबर रहेगा, बेसिकली कोई भी नंबर वहां हो सकता है. तो इस बेस पे 15 डिजिट का कोड दिया जाता है. तो आपको ध्यान रखना है, बेसिकली अगर एमसीक्यू उसमें पूछा गया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है वो कितने डिजिट्स का होता है, तो दैट इज फॉर 15 डिजिट्स. बाकी की चीजें भी मैंने आपको बता दी है एग्जैक्टली. तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि जो पर्सन्स लायबल होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, सभी लोग तो लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो हु विल बी लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन 22 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट. ठीक है, तो सीजीएसटी एक्ट के अंदर कौन कौन रजिस्ट्रेशन करने के लिए लायबल होगा, क्या उसके प्रोविजंस है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, all those points we are going to discuss. So let us go to the PPT. So let us see now.
Section 22 of the CGST Act provides that every supplier is liable to get himself registered under the CGST Act 2017 in the state or union territory from where he supplies of taxable goods or services. अगर मैं महाराष्ट्र से गुड्स का सप्लाई करता रहूंगा या अगर मैं गुजरात से गुड्स का सप्लाई करता रहूंगा तो कोई भी स्टेट ले लो, जिस स्टेट से आई विल बी सप्लाइंग दी टैक्सेबल गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर दोनों, उसी स्टेट में मुझे लायबल होगा रजिस्ट्रेशन लेना. मतलब अगर इफ आई एम सप्लाइंग द गुड्स फ्रॉम महाराष्ट्र then I will be liable in Maharashtra if certain conditions are fulfilled. तो वो conditions क्या है वो हम देखेंगे. पहले आपको ये जानना है basically कि सभी states के लिए जो threshold limit रखा है वो same नहीं है. If you see there are certain special category states which you are already seeing now and total 11 special category states है. देखो special category states क्या है, इन states को special category states क्यों बोला है, इन स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इसीलिए बोला है कि थोड़े कंपैरेटिवली बाकी के स्टेट से इनका जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल इनकम है, जो यहाँ के लोग हैं, पॉपुलेशन है, उनका ओवरऑल इनकम सोर्स कम है, तो इसीलिए ऐसे स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का दर्जा दिया गया है. एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के जो भी स्टेट्स रहेंगे वहाँ पे लिमिट्स जो रहेगी वो अलग रहेगी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने की. मतलब नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट, कि कौन से पर्संस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है. तो वो हमने क्या देखा कि सेक्शन 22 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 सेज दैट द पर्सन हु इज सप्लाइंग एनी काइंड ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ फ्रॉम अ स्टेट देन ही विल बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन दैट स्टेट ओनली. दैट मीन्स इफ ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र then he will be liable for registration in Maharashtra only. Even if he is supplying goods to Gujarat or even if he is supplying goods to any different state, तो जहाँ से वो taxable goods का supply कर रहा है उसी state में वो person liable बन जाएगा और उसे GST registration करवाना पड़ेगा. लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि special category states के लिए क्या limit है और जो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स है उनके लिए क्या लिमिट्स है, वो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे. तो देखो आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने एक चार्ट फॉर्मेट में ही डाला है. अगर हम देखें तो दिस इज़ दी लाइबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन एज पर दी जीएसटी एक्ट 2017. तो पहले आपको कॉलम दिख रहा है स्टेट्स का और फिर दूसरा कॉलम आपको दिख रहा है लिमिट का. अब ध्यान रखना, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट वी आर लर्निंग एंड दैट इज फॉर सप्लायर एंगेज इन सप्लाई ऑफ द गुड्स. देखो सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करेंगे हम पहले गुड्स की बात करेंगे, देन वी विल बी डीलिंग विथ सर्विसेज. और गुड्स एंड सर्विसेज दोनों अगर रहेंगे तो भी सेकेंड वाला ही पॉइंट. तो सबसे पहले अगर मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है या त्रिपुरा है, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, तो बेसिकली ये जो पॉइंट्स है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादा बेनिफिट दिया गया है. अगर ये स्टेट है और ये स्टेट से अगर सप्लाई होता है किसका, गुड्स का, ये स्टेट से अगर गुड्स का सप्लाई होता है तो 10 लाख का थ्रीशोल्ड है. मतलब 10 लाख से ऊपर अगर जाएगा तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी बन जाएगा, मैंडेटरी बन जाएगा, ठीक है. 1 फरवरी के पहले टू 1 फरवरी 2019 के पहले भी ये 10 लाख था, 1 फरवरी तक ये 10 लाख का ही कंडीशन था, लेकिन जो लिमिट्स है उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस कर लिए थे 1 अप्रैल 2019 के ईयर में. जो लिमिट्स है 1 अप्रैल 2019 से मेजर चेंजेस किए हैं. तो अभी जो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये जो 1 अप्रैल 2019 से जो लिमिट आई है वही है, पुराना पढ़ के कुछ मतलब नहीं है, हमें जो नया चीज़ है वही पढ़ना है. नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस उत्तराखंड, आसाम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश. अगर इन स्टेट्स में रहेगा और अगर गुड्स का सप्लाई करता है तो 20 लाख की लिमिट है. थोड़ा सा कंपैरेटिवली अगर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा से देखें तो यहाँ पे थोड़ा इनकम सोर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा है,
बाकी के सेट से कम ही है, लेकिन हम अगर हम ऊपर वाले से कंपेयर करें तो इसीलिए इनकी लिमिट जो है वो 10 लाख की 20 लाख कर दी है। पहले ये जो 1 फरवरी 2019 के पहले ये 10 लाख थी, लेकिन ये 20 लाख है, अभी आपको सिर्फ 20 लाख ही याद रखना है। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो लिमिट थी ये बहुत चेंज हुई है, ये पहले 10 लाख थी, फिर 20 लाख कर दी, फिर 20 लाख के बाद अभी 40 लाख कर दी है। तो ध्यान रखना 1 अप्रैल 2019 से बेसिकली ये 40 लाख ही है। जम्मू एंड कश्मीर की भी कितनी है, 40 लाख है। पुडुचेरी एंड तेलंगाना की भी कितनी है, 20 लाख है। तो पुडुचेरी एंड तेलंगाना में 20 लाख की लिमिट है, और बाकी सारे स्टेट्स जो रहेंगे इंडिया में उसकी लिमिट कितनी है, उसकी लिमिट है 40 लाख। तो हमारे लिए जो ये लास्ट वाला पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स में जो एग्रीगेट टर्नओवर होता है, जो एग्रीगेट टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर इज बेसिकली डिफाइंड एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ द CGST एक्ट 2017। तो एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन दिया गया है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट बेसिकली जो भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर है वो अगर 40 लाख से ऊपर गया तो आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी बन जाएगा, कंपलसरी बन जाएगा। रेस्ट ऑफ द स्टेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, और अगर हम मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा की बात करें तो इट विल बी 10 लाख। उत्तराखंड, आसाम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 20 लाख। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इट इज़ 40 लाख। पुडुचेरी, तेलंगाना रहेगा तो अगेन इट इज़ 20 लाख। एंड रेस्ट स्टेट्स इन दी इंडिया की बात करें तो इट विल बी 40 लाख। तो यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस स्लाइड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज 40 लाख। तो डू रिमेंबर दिस, व्हेनेवर एनी पर्सन और एनी सप्लायर इज एंगेज इन सप्लाइंग ऑफ द गुड्स, देन द थ्रेशोल्ड लिमिट या एग्रीगेट टर्नओवर की अगर बात करेंगे तो एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए, 40 लाख से ऊपर होना चाहिए। 40 लाख से अगर कम है तो GST रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर उस बंदे को लगता है कि फिर भी मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊँ तो गवर्नमेंट से इज़ वेलकम। अगर आप खुद चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करवाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं कि अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है और आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दिस इज रिलेटेड विद गुड्स, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर सप्लायर एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेस और बोथ। ध्यान से, पहले हमने क्या पढ़ लिया, पहले हमने गुड्स पढ़ लिया, अब हमारा ये जो सेकेंड नंबर का पॉइंट है, सेकेंड नंबर के पॉइंट में हम पढ़ेंगे सर्विसेस और बोथ। ठीक है, अभी मैं आपको जो मेजर मेजर चीज़ें हैं जो आपके पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, जिसके बेसिस पे आप पेपर में जो MCQs पूछे जाएंगे वो इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो आई वॉज रिसीविंग कमेंट्स फ्रॉम यूर साइड, सर MCQs कैसे पढ़े, MCQs को कैसे करवाना है। तो बेसिकली देखो एवरीवन, जस्ट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेसिक्स ऑफ द चैप्टर। इफ द बेसिक्स ऑफ द चैप्टर्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस अप्लाइज फॉर एवरी चैप्टर्स, एवरी सब्जेक्ट्स। इफ बेसिक्स इज क्लियर, MCQ क्या है, MCQ बेसिक्स से तो बनता है। तो जो भी आपके बेसिक्स है चैप्टर से रिलेटेड वो ध्यान रखना, वो अगर प्रॉपरली एनालाइज कर लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। ठीक है, अगर हम सर्विसेज की बात करें, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अगेन 10 लाख है। तो गुड्स बनाए हैं या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करे, गुड्स का सप्लाई करे या सर्विसेज प्रोवाइड करे तो भी 10 लाख ही होगा दोनों केस में। उत्तराखंड में अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड, आसाम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अगेन इट इज 20 लाख, अगेन इट इज सिमिलर। तो यहाँ पे भी सिमिलर है, यहाँ वो पहले वाला भी सिमिलर ही था। उत्तराखंड, आसाम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी 20 लाख ही रहेगा। रेस्ट स्टेट इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप मिस्टेक करते हो, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रेस्ट स्टेट इन इंडिया में यहाँ पे 20 लाख है। तो अगर गुड्स रहेगा, यहाँ पे लिखता हूं, अगर गुड्स रहेगा तो 40 लाख, और अगर सर्विसेस या गुड्स दोनों, मतलब सर्विसेस भी आप सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेस भी आप रेंडर कर रहे हो एंड गुड्स का भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे फिर कितना बन जाएगा, 20 लाख। ओनली गुड्स रहेगा तो 40 लाख है, ओनली सर्विसेज रहेगा तो 20 लाख है, सर्विसेज और गुड्स दोनों रहेगा तो भी 20 लाख है। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लिमिट्स है, तो आपको ध्यान रखना है, बिकॉज दिस लिमिट्स विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस।
तो नाउ वी विल बी सॉल्विंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर्स टू कम. तो नेक्स्ट लेक्चर्स में वी विल बी सॉल्विंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की रजिस्ट्रेशन के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं. आई होप दिस थेरोटिकल लेक्चर ऑफ द रजिस्ट्रेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे. बाय बाय. टेक केयर.